जी नमस्कार, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं केवल भारत टीवी समाचार। मायने ये नहीं रह रखता है कि आज हम कहां उपस्थित हैं। आप इस चेहरे को देखकर आप पहचान गए होंगे कि ये कौन है। तो ये हमारे नित्या सर हैं और जो नित्या के सपोर्ट इनका चैनल चलता है और इनके पास आज बिहार के क्रिएटर के लिए बहुत बड़ा एक ऑफर आ गया है जब से नित्या सर आ गए हैं बिहार में। बिल्कुल। और कहीं जाए तो बिहार में टेक के नाम पर भोकाल आ गया है। इनके चैनल को देख के लोग प्रेरित हो रहे हैं और आज हमारे बिहार के नित्या सर से आके मिलके समस्या का समाधान कर पाते हैं। तो कहाँ कहाँ से आपके पास आते हैं समस्या का समाधान? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं और जो भी लोग आते हैं उन किसी को भी निराश नहीं करते हैं, 100% एकदम उनको जो है सो। और देखिए, मेरा मानना ये नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोगों को ही सपोर्ट करना है। बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, देश के किसी भी कोने से, इवन हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो अमेरिका से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंग्लैंड से हैं, यूरेन से हैं, यूक्रेन से हैं, हर जगह से जो है हमारे सब्सक्राइबर हैं, हर जगह से जो है मेल आते हैं, हर जगह से मैसेज आते हैं और हर जगह के लोगों को हम लोग जो है भरपूर सपोर्ट करते हैं। तो हमारा मानना ये नहीं है कि सिर्फ एक किसी को सपोर्ट करना है। हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं, कोई जाति, कोई समाज, कोई देश, कोई स्टेट मायने नहीं रखता है। सपोर्ट मतलब सपोर्ट, नित्या के सपोर्ट, 100% सपोर्ट जो है हमारे तरफ से किया जाता है। अगर आप देश के किसी भी कोने से देख रहे हैं तो सपोर्ट के लिए, जिस तरीके से इनके चैनल का नाम है नित्या के सपोर्ट, इनके चैनल के माध्यम से सब क्रिएटर को सपोर्ट किया जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि क्रिएटर को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो अपना अर्निंग उगाही के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन ये ऐसे फैक्ट्री है जो कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने से इनके पास सपोर्ट के लिए आते हैं और ये खुल के सपोर्ट भी करते हैं और एक परिवार को जीने का सहारा बनाते हैं। और इस बिल्कुल हमारा मानना ये है, हम ये चाहते हैं कि देश का बच्चा बच्चा यूट्यूब से पैसा कमाए, देश का बच्चा बच्चा जो है यूट्यूब से घर बैठे। आप सोचिए, मैंने कल एक वीडियो डाला था 3500 किलोमीटर दूर, सोचिए 12,000 रुपये कमाने के लिए, पूरे परिवार को चलाने के लिए 3500 किलोमीटर दूर जो है एक लड़का जो है सो कमाने जा रहा था। सोचिए कि घर बैठे अगर आप 12,00,000 रुपए साल में कमा सके तो क्या उसमें बुराई है, बताइए, वीडियो बना के। और आप भी रिपोर्टर हैं, आपने भी यूट्यूब से बहुत अर्निंग की होगी, आप भी यूट्यूब से पैसे कमाते होंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। तो आप तो खैर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों का समस्याओं का निदान करते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी कला है ना। तो बाकी काम करिए, मोटिवेटेड रहिए और मैं क्या ही कहूँ, है कि हम चाहेंगे कि सर बिहार में जो बेरोजगारी है उस चीज को आप अपने स्तर से, बिहार में नहीं, आपको अगर सच बताऊं तो पूरा बिहार में नहीं, पूरे देश में बेरोजगारी है और उस बेरोजगारी को जो है सो बहुत ही जल्द दूर किया जाएगा। और यही डिजिटल एजुकेशन, यही डिजिटल इंडिया बहुत ही जल्द, आपने अभी रिपोर्ट देखी होगी ऑक्सफोर्ड की कि 8,000 करोड़ नौकरियों के बराबर यूट्यूब ने जो है यहाँ पे पैसा जो है सो जनरेट किया है, यूट्यूबर से पैसा कमाया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे जो है यूट्यूब यहाँ पे जो है सो आज के डेट में हो गया है, ठीक है। तो बहुत ही जल्द आप अगर ऑनलाइन जुड़ते हैं, अगर आप में कोई क्रिएटिविटी है, आप में कोई टैलेंट है, आप में कोई स्किल है, तो बहुत ही जल्द इसके थ्रू आप जो है अपनी गरीबी मिटा सकते हैं। हम चाहेंगे कि सर हमारे दर्शकों को जाते जाते कुछ कह दीजिए। यही कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, क्योंकि हर इंसान को भगवान कुछ ना कुछ एक क्वालिटी दे के जाता है कि वो और लोगों से इस काम को बेहतर कर सकते हैं, उस क्वालिटी को पहचानिए, अपने अंदर के जो निखरता है, जिस जो आपके अंदर टैलेंट है, उस चीज़ को पहचानिए, उसको डिजिटली वीडियो के थ्रू लोगों के माध्यम लोगों को पहुंचाइए, डिजिटल वीडियो के माध्यम से, और आप भी जो है एक यूट्यूबर बन के 1,00,000 रुपये कमा सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए नित्या सर मौजूद थे और इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी और इस जानकारी से यही स्पष्ट होता है कि बिहार में बुरी तरह से जो बेरोजगारी छाई हुई है, इस चीज़ को ये डिजिटल के माध्यम से कम करने का एक सुनहरा प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मोटिवेटेड रहिए, काम करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। चलिए, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।